हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आप देखते हैं नेहा जी के घर पे क्या हो रहा है और वो आज कितना बिजी हैं। तो देखते हैं उनका ब्लॉग, नेहा रोहित लाइव ब्लॉग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले उठी, मैं झाड़ू उठाया, जल्दी से मैं झाड़ू लगा लूँ। उसके बाद मैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा कर लूँ, पोछा भी जल्दी से लगा लूँ क्योंकि मुझे अभी नहाना भी है और लगभग मेरा पोछा लग चुका है। और उसके बाद मैं कपड़े अपने ले लेती हूँ, फिर मैं जा रही हूँ नहाने। फाइनली मैं नहा चुकी हूँ और अपने कपड़े में जाऊँ, मशीन में डाल दूँ, ड्रायर में सूख जाए। और कपड़े डालने के बाद मैं थोड़ा बाल में कंघी भी कर लूँ और रेडी हो जाती हूँ फिर जल्दी से, क्योंकि अभी मुझे पूजा करनी है। तो मैं रेडी हो रही हूँ, बाल में कंघी शंघी कर लूँ और सुबह तो बहुत जल्दी रहती है इसलिए सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। और लगभग मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने, तुलसी माता को जल दे दूँ। और मैं अपने कपड़े जो मशीन में पड़े थे वो निकाल लेती हूँ, जाके छत पे डाल दूँ, सूख जाए। और कपड़े मैंने ले लिए हैं, आज तो मौसम खराब है, धूप तो निकली नहीं है, ये देखिए। और आज शायद धूप भी नहीं निकलेगी, ये देखिए मौसम कितना खराब है। और काफ़ी ठंड भी है। और अब मैं कपड़े डाल चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ नीचे। और देखती हूँ बाबू मेरा उठा है कि नहीं, देख लूँ सो रहा है क्या अभी। शायद जग गया है क्या, देख लूँ। नहीं, वो अभी नींद में है और फिर से सो गया है। तो तब तक मैं जाग के चाय पी लेती हूँ, बाबू मेरा सो रहा है तो मैं चाय पी लूँ जाके। जा रही हूँ किचन में चाय ले लेती हूँ। तो खाने में दलिया बनी है आज चाय के साथ, तो थोड़ी सी दलिया ले लूँ। और
और चाय और दलिया मैंने ले ली है और मैं जा रही हूँ अब अपने रूम में। तो अपने रूम की तो चाय पी लूँ आराम से। क्या कर रही हो? चाय पी रही हो अकेले अकेले? हाँ अभी जा रहे हैं। चाय मैंने पी ली है और शायद मेरा बाबू भी जग गया। मेरा बाबू उठ चुका है। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। गोदी ले ले। गोदी ले ले भैया को। आज थक गया बच्चा मेरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ गोदी ले ले। खड़े हो जाओ को गोदी ले ले। ये मुंह नहीं धुले और चाय पिएगा। गंदे बच्चे है ये। पिएगा भूख क्या? भूख लगी है बच्चे को? कर लो के लिए कर दो कर दे। पूछे करो पहले। अरे और एक थैंक यू। चलो आओ तुमको चाय पिला दूँ। भैया ने मेरे ब्रश कर लिया है। भैया को अब चाय दूंगी। भैया चाय पिएगा मेरा। चाय पीना है और क्या खाओगे इसके साथ? बिस्किट हाँ? क्या खाना है? ये क्या चाहिए? अपने हाथ ले रहे हो इस? ये चाहिए। ये वाला कप चाहिए। हटो निकाल। ये देखिए भैया का कप। भैया इसमें चाय लेगा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? देखो भैया मेरा कहाँ पे खड़ा है। ये देख नमकीन चाहिए। नमकीन कि बिस्किट चाहिए? क्या चाहिए? क्या वो तो ब्रेड रोस्ट करने वाला है। नहीं नहीं ऊपर ठीक है। यहाँ नहीं ऊपर नहीं ठीक है। ऊपर ठीक है? ऊपर नहीं ठीक है। ठीक है नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। नहीं मैं वहाँ नहीं रखूंगी। फ्रिज में नहीं रखा जाता है? हाँ फ्रिज में नहीं रखते बेटा। पहले आप चाय पी लो। चलो बिस्किट खाने। नहीं प्लीज मैं ना रखू। नाटक शुरू हो गया इसका। इसका नाटक शुरू हो गया। गंदे का नाटक शुरू। नौटंकी नहीं नौटंकी गुस्सा हो गया। नौटंकी ये आप चाय पीने जा रहे हो? ये लो। हमको भी दे दो बिस्किट। मुझे भी दे दो खाने बेटू। खाने मुझे भी दोगे? मुझे दोगे? अरे दे दो। मैंने चाय पिला दी है। अब मैं इसको रेडी कर देती हूँ। तो इसको नहलाऊंगी नहीं आज क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। और इसके मैं कपड़े चेंज करा दूँ। कपड़े ये देखो नाटक कर रहा है कपड़े चेंज कराने में। और इसके मस्ती भी खूब आती है कपड़े चेंज कराने वक्त। तो गाइस ये देखिए कितनी नौटंकी कर रहा है। ये मस्ती इसके बहुत आती है।
जल्दी से इसको रेडी कर दूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा क्रीम लगा दूँ, पाउडर लगा दूँ, इसको अच्छे से रेडी कर दूँ और इसके बालों में कंघी भी कर दूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं और सुबह सुबह तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं और इसकी मस्ती भी चलती रहती है साथ में, इसलिए और टाइम लगता है। और इसके कपड़े ले जाके मैं धुल देती हूँ। ये देखिए, मैं इसके कपड़े धुल दूँ जल्दी से और ये तब तक ये खेल रहा है बाबू मेरा, ये देखो। और फिर मैं जाऊँगी सीधे किचन में कपड़े धुलने के बाद, क्योंकि किचन में भी मुझे थोड़ा काम करना है। और कपड़े धुलने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ किचन में, थोड़े से बर्तन पड़े थे इसलिए जल्दी से इनको धुल लेती हूँ। और फिर मैं, और तब तक ये देखिए खेल रहा है बाबू मेरा, ताकि मैं किचन के काम भी कर लूँ जल्दी से। ये देखिए गाइस, एक साइड मेरा दूध भी चढ़ा हुआ है, पक रहा है। तो गाइस, आपने देखा कि नेहा जी एक यूट्यूबर हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाती हैं एंड अपना डेली का रूटीन शेयर करती हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नेहा रोहित लाइव वीडियो पे जाके उनको लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। पीस लूँ, लगभग मेरा किचन का काम भी खत्म।